दोस्तों टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपनी ड्रेसिंग सेंस के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। उर्फी जावेद आए दिन ऐसे ऐसे आउटफिट्स अपनाती है जो लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन हाल ही में उर्फी अपने साथ हुई एक घटना के कारण चर्चा में आ गई। दरअसल उर्फी जावेद के साथ फ्लाइट पर छेड़खानी हुई, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। उर्फी जावेद ने बताया कि मुंबई से गोवा जाते वक्त फ्लाइट में शराब के नशे में धुत कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की है। जी हां, उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन लड़कों से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया। उर्फी जावेद की ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन लड़कों से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुंबई से गोवा सफर करते हुए फ्लाइट में मुझे कल शोषण का शिकार होना पड़ा। वीडियो में मौजूद ये लड़के अजीबोगरीब बातें कह रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे और नाम ले रहे थे। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उनमें से एक ने कहा कि मेरे दोस्तों ने शराब पी हुई है। नशे में होना महिलाओं संग बदतमीजी करने का कोई रास्ता नहीं होता। पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं। वेल, बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब उर्फी जावेद ने किसी मसले का बेबाकी से खुलासा किया हो। इससे पहले उन्होंने मणिपुर में महिलाओं संग हुई घटना का भी पुरजोर विरोध किया था। उर्फी जावेद ने सड़ेआम कुकी समुदाय की महिलाओं के लिए न्याय की मांग की थी। उनके इस कदम को लेकर लोगों ने जमकर सराहना भी की थी। उर्फी जावेद को लेकर खबर है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। दरअसल एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 के लिए उर्फी जावेद को अप्रोच किया है। एक्ट्रेस ने कुछ दिनों पहले शूटिंग से जुड़ी फोटो भी शेयर की थी, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि उर्फी जावेद ने अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है।